वन विभाग की खबर दिखाते हैं हम आपको, जहां वन विभाग की ओर से बीकानेर जिले में आवास कर रहे प्रवासी जलीय पक्षियों की गणना की जा रही है। इसके लिए जिले के प्रमुख जलाशयों का चयन भी किया गया है, जिसमें मुख्य तौर पर दरबारी तालाब, गजनेर झील, दयातरा तालाब, लुणकरसर नमक झील, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की RD 750 और RD 507 घेघड़ा जलाशयों पर प्रवासी पक्षियों की गणना की जा रही है। जलीय पक्षियों की गणना कार्य के लिए वन विभाग द्वारा 6 टीमों का गठन किया गया है। उप वन संरक्षक जयदीप सिंह राठौर ने बताया कि यह गणना 10 जनवरी तक चलेगी। उन्होंने बताया कि इस गणना में अधिकारी कर्मचारियों के अलावा पक्षी विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। तो ये खूबसूरत तस्वीरें हम आपको 6-7 जगह जो है जहाँ तालाब है और पानी है, उसमें विदेशी पक्षी आते हैं अक्सर, उनकी गणना करनी होती है हमारे को। इस बार तो सारी संख्या और सारी प्रजातियों की गणना हम करके करेंगे, इसके बाद में ऊपर मुख्यालय में भेजेंगे, जिसके बाद इनके संरक्षण की और इनके सुधार की, इनकी संरक्षा की क्या कार्रवाई हो सकती है, वो वहाँ से निर्धारित होकर हमें सूचित किया जाएगा। बीकानेर जिले में 6 जगह पर ये मिड विंटर वाटरफॉल सेंसस कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे विभिन्न डिवीजन से 6 टीमें गठित की गई है। ये मिड विंटर वाटरफॉल सेंसस में इसमें ज़्यादातर प्रवासी पक्षी जो विश्व के विभिन्न स्थानों से ये विदेशी पक्षी हैं